कैंप में जो 2 घंटे का कैंप है तो आपको तो 1 घंटा ही मिला ना, बाकी 1 घंटा जो है वो दूसरे व्हील चेयर में बैठ रहे होंगे। तो आप अपनी ड्रिल्स करते रहे। अच्छा, ड्रिल्स के लिए और भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि परमिशन हमें फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, एक दफ़ा ही सिर्फ हमने पेमेंट की है, बाकी हमेशा फ्री मिला है हमें। तो ये आप वीक डेज में भी आ सकते हो, कुछ बॉलें अपने पास रख के प्लान करके। इस तरह लोग आते हैं, किसी दिन वर्किंग डे में ही छुट्टी आ जाती है, कार्यक्रम डे आ गया। तो आप लोग मॉर्निंग में जब गए, आप डॉक्टर साहबा से या मुझसे रब्ता कर लें और हम इधर कह देंगे गेट पे, तो आप आके अपनी प्रैक्टिस करें। यस, और फिर जब हमारा कैंप ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई। आप अगर चाहें तो देखें, 50 फॉरहैंड 50 बैकहैंड, तो ये आप कसम खा लें कि आपने खुद करनी ही आपस में, दो लोगों ने या 4 लोग मिल के, तो उससे ये होगा कि आपकी गेम इम्प्रूव होगी। और वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होनी है, शॉर्टकट तो कोई रास्ता नहीं है, पर्ची सिस्टम उसमें चलता नहीं है। मैंने तो आप लोगों को ही करनी है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, बॉलें मौजूद हैं, रैकेट आप लोगों के पास है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से चलाएं। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ये हम 2 महीने का कैंप करेंगे, इस दौरान में 2 या 3 टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, उन टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट करना है। और अस्मा शाह साहिबा जो हैं वो क्रिकेट के इवेंट में, उन्होंने फैंस के साथ बात की थी, फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे बजट मंगवाया, वो मैंने उन्हें भेज दिया, और शायद वो भी आज आ भी जाए। तो अभी फ़िलहाल मैंने कल बात की थी उनसे, मैंने कहा जी कि आप आएँ और हमारे कैंप में इसको देख लें और ओपनिंग भी कर दें। तो वो कहने लगी कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास नॉर्थ अहमदाबाद जिमखाना में एक दिन ये सब लोग आए और एग्जीबिशन मैचेस खेलें, यानी कि फ़िलहाल उन्होंने एक दिन एक्सेप्ट किया है, तो एक दिन हम बीच में वहाँ जाएंगे। और इस दौरान में शायद वो रशीद मलिक जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं वो भी कराची आ रहे हैं।